हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं रूर यूनिवर्सिटी ऑफ बोखुम। जो रूर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है। इट इज़ लोकेटेड इन बोखुम। बोखुम इज़ अ सिटी इन नॉर्थ राइन वेस्टफालिया, विच इज़ द स्टेट। सो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेट्स गो। बोखुम में आते हुए अभी मुझे अप्रॉक्सीमेटली एक महीना हुआ होगा। तो जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आई। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है, ये बहुत ही एंशंट बिल्डिंग लगते हैं। अभी जहाँ पे मैं रहता हूँ, वो अकोमोडेशन है, वो जो बिल्डिंग है, वो 1903 में बिल्ट किया था। तो बहुत ही ओल्ड एंशंट कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे, मतलब 90% बिल्डिंग्स जो है, ये एक बहुत ही एंशंट बिल्डिंग्स है। और रिनोवेटेड रहते हैं फ्लैट्स अंदर, लेकिन जो बिल्डिंग है वो काफ़ी पुराना होता है। दोस्तों, अभी मैं अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पूरा इन्होंने अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट किया है। और देख सकते हैं यहाँ पे बोखुम हब बान ऑफ पे हूँ, बोखुम मेन स्टेशन पे। और फिर ये जो अंडरग्राउंड जो व्हीकल है, उसको बोलते हैं यू बान। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड इतना अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया है इन्होंने, आपको मैं ट्रैक्स भी दिखाता हूँ, इनके ट्रैक्स कैसे होते हैं। दोस्तों, ये है ट्रैक्स अंडरग्राउंड यू बान के। और कंस्ट्रक्शन देखिए कितना ज़बरदस्त है, और क्लीनलीनेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एड्स वगैरह लगाया है, यहाँ पे सिलेक्ट ए करके है, आप देख सकते हैं। जैसे हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह में रहता है ना, यहाँ से पैसा डालो और फिर नीचे से माल उठाओ, तो वैसा ही सिस्टम है यहाँ पे। और मज़े की बात है, यहाँ पे लेज, फिर किटकैट, ये सारे इंडिया में जो मिलते हैं, वो भी रेड बुल भी है। देखिए, रेड बुल 2.5 यूरोस में है, और बाहर अगर आप शॉप से ख़रीदोगे तो आपको 1 यूरो में भी मिलता है। तो इन्होंने डबल से भी ज़्यादा रेट लगाया है। यहाँ से शायद से कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। ये वीज़ा का कौन सा भी कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक अंडरग्राउंड ट्रैम से ट्रैवल कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए हैं। फिर जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्राम जो है वो ऊपर आती है और फिर रोड्स को कनेक्ट होती है। तो आप ये कंस्ट्रक्शन देखिए, ऊपर का पूरा ट्रांसपेरेंट कंस्ट्रक्शन है, और कितना मस्त दिखता है देखिए। Thank you.
आज यहाँ पे बहुत शांति है क्योंकि आज संडे है और कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं सोचा आज शांति से व्लॉग हो जाएगा एक। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हॉकशुले बोखुम यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोखुम और सेमिनार गेबॉयड यानी कि ये सेमिनार बिल्डिंग है, उसका नाम भी है कुछ बाउटाइल एच। यह सब पूरा इस सेमिनार रूम्स है और ये पूरा बिल्डिंग सेमिनार बिल्डिंग है और यहाँ से ऐसे व्यू है पूरा। दोस्तों ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये है असेंबली पॉइंट, अगर कुछ इमरजेंसी हुई यूनिवर्सिटी में तो सारे यहाँ पे इकट्ठे होंगे। सो ये एक कॉमन असेंबली पॉइंट है, सारे लोग यहाँ पे आएंगे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। और ट्रीज भी अगर आप देखोगे तो इनका कलर जो है, कैमरा में क्या दिख रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो कलर है ये पर्पल है, लीव्स का कलर पर्पल ग्रीन येलोइश कुछ अलग ही है, और अगर ऊपर देखोगे तो थोड़ा ब्राउनिश शेड भी दिखाई दे रहा है। ये गड़बड़ है बाबा। चलिए अभी थोड़ा आगे जाते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है, शायद से फुटबॉल ग्राउंड है, देखते हैं। चलो ये ऐसा पाथवे है यहाँ से ग्राउंड के लिए, और दूर से लग रहा था बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, लेकिन सच कहो तो ये बहुत ही छोटा ग्राउंड है। हमारे इंडिया में टर्फ्स कैसे होते हैं वैसे ये फुटबॉल टर्फ लग रहा है मुझे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन अच्छे से मेंटेन इतना नहीं है टर्फ, थोड़ा जो घास है वो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हो ये यहाँ का ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे तो गोल पोस्ट लगाया है सो ये ग्राउंड ही होगा। दोस्तों ये ब्लू बॉक्स बोखुम जो लिखा हुआ है ये है ओल्ड कैंटीन बोखुम हॉकशुले का, हॉकशुले यानी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे अंदर अभी बंद है लेकिन अंदर बहुत बड़ा कैंटीन है, और ये जो है ये है स्मोकिंग एरिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा है राउखर बेराइश यानी कि स्मोकिंग एरिया, और यहाँ पे ये पूरा स्मोकिंग एरिया है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। दिस यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1962, सो ये काफ़ी नया यूनिवर्सिटी है, इट्स नॉट दैट एंशियंट एज कम्पेयर टू अदर ओल्ड यूनिवर्सिटीज इन जर्मनी। यहाँ का जो एकेडमिक स्टाफ है वो है मोर देन 3000 और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इज मोर देन 2000, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है दे आर मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स इन दिस यूनिवर्सिटी। सो ये कुछ फैक्ट्स थे रूर यूनिवर्सिटी के। दोस्तों हर यूनिवर्सिटी का एक टैगलाइन होता है, और इस यूनिवर्सिटी का टैगलाइन मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका टैगलाइन है डेंकेन फ्यूलिन माखेन, और तो इसका मतलब होता है डेंकेन मीन्स टू थिंक, फ्यूलिन मीन्स टू फील, और माखेन इज टू डू। सो थिंक फील एंड देन डू। सो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और अच्छा लगा। दोस्तों यहाँ पे आके आप ऐसे आराम से बैठ सकते हैं, ऐसे स्टोन का स्ट्रक्चर है, देखिए आराम से बैठ सकते हैं और मस्त टाइम पास वगैरह कर सकते हैं। पैसा बर्बाद। तो अब देखिए ऐसे स्टोन के स्ट्रक्चर काफ़ी सारी जगह पे है, देखिए। सो ये काफ़ी यूनिक लगा मुझे बैठने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करना, आपके एक लाइक से YouTube खुद इसको और लोगों को प्रमोट करता है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने माँ बाप का ख्याल रखना। मिलते हैं किसी अगली व्लॉग में,
तब तक के लिए बाय बाय।